नमस्कार मित्रों, एग्जाम ट्रैक सेंटर पे आपका स्वागत है। हम हमारी एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 5th क्वेश्चन तक मैंने आपको पीछे वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरे सेकेंड चैप्टर के सारे लिंक्स हैं। 2.1 के, 2 के, 3 के और 2.4 का जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है 1 to 5th क्वेश्चन तक, उनका भी मिल जाएगा। बस आपका ये सपोर्ट कर दो कि भाई चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दो और दूसरे अपने साथियों के पास शेयर एंड लाइक कर दो भाई। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। 6 क्वेश्चन कह रहा है भाई, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज आर इन रेशियो 11:4। तो आपको लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो दे दिया भाई, क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है 11:4। किस किस का रेशियो है ये, लेंथ का और ब्रेथ का, ठीक है। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹75,000। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, देखो फेंसिंग होती है, कोई भी प्लॉट है आपके पास, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो, कैसा भी प्लॉट हो, फेंसिंग होती है हमेशा उसके चारों ओर, यानी बार लगाना। और चारों ओर का जब भी नाम आता है तो क्या बोलता है भाई, पेरीमीटर निकालना होता है। तो इसमें हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो लेट लेंथ, लेंथ लेट करेंगे आपकी आ गई 11x, एंड ब्रेथ, ब्रेथ आपकी आ जाएगी भाई 4x। यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, क्वेश्चन में क्या यूनिट हमें दे रखी है भाई। तो क्वेश्चन के अंदर हमें मीटर बता रखा है, तो हम इसमें मीटर लगा देंगे। अब आया पेरीमीटर, अब पेरीमीटर का इसमें रेट दिया हुआ है पहले, ठीक है, क्या रेट है, रेट ऑफ फेंसिंग इसने कहा है ₹100 per meter। रेट क्या है फेंसिंग का, ₹100 per meter। तो ये पर मीटर में, यानी मीटर में ले लिया हमने यूनिट, और पर मीटर यानी 1 meter पे ₹100 लगेंगे, 1 meter पे ₹100 लग रहे हैं। टोटल कितनी कॉस्ट लगी है, टोटल कॉस्ट लगी है भाई ₹75,000, ₹75,000 टोटल फेंसिंग के लगे हैं भाई, ठीक है। हमें निकालना है पहले टोटल पेरीमीटर उसका, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर देखो ₹100 लगे हैं 1 meter पे, तो भाई 75,000 कितने मीटर पे लगे रुपए, तो हम 75,000 75,000 को इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, जो उसका रेट है, कैंसिल, आंसर आ गया 750 meter। 750 क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अपने को निकालनी लेंथ ब्रेथ है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ और इज इक्वल टू 750। 2 का 2, L की जगह आपका है भाई 11x, B की जगह है भाई 4x इज इक्वल टू 750, 2 × आ गया 15x इक्वल 750, ये हो गया 30x इक्वल 750, एंड x इज इक्वल टू 750 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल और 75 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कितने पे, 25 पे, यानी x की वैल्यू 25 आ गई। आपको लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है, तो क्या करेंगे, सो पहले लेंथ लिखी थी हमने, तो लेंथ जो कि हमने मानी थी 11x, मींस 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो आपके पास आई है, x की वैल्यू आपके पास आई है 25, तो 11 को 25 को मल्टीप्लाई करना है जो कि कितना आएगा 275 meter। और ब्रेथ, ब्रेथ आपकी थी इसमें 4x मीटर, यानी 4 × 25 आपका आ जाएगा 100 meter। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6th क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था। आपको टोटल कॉस्ट बता दी, रेट बता दिया, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, ऐसे में एरिया भी दिया हुआ हो सकता है, टोटल कॉस्ट दे दे और रेट, यहाँ पर रुपीज पर मीटर स्क्वेयर मिलता तो मींस वो एरिया का होता, फिर हम टोटल एरिया कर लेते, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट, तो हमारे पास वो फिर एरिया आता। बट यहाँ पे ओनली मीटर में था, इसका मतलब एरिया नहीं है भैया, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वेयर यूनिट में आता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा है भाई कि द कॉस्ट, सॉरी, मटेरियल ऑफ शर्ट एंड पैंट, ट्राउजर, ठीक है, शर्ट और ट्राउजर के लिए, ट्राउजर बोल दो या पैंट बोल दो, उसके लिए क्लोथ है, उसका पहले रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 है, रेशियो है वो कितना है 3:2, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमने यहां से लेट किया, पहले इसी में ले लो, लेट क्या नाम है, पहले पहले शर्ट का नाम है, फिर ट्राउजर का नाम है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ शर्ट, क्लॉथ कर दो, मटेरियल कर दो, शर्ट के क्लॉथ की कितनी हो जाएगी भाई 3x, एंड लेंथ ऑफ क्या अगला, ट्राउजर,
ट्राउजर क्लॉथ वो कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। अच्छा मीटर वगैरह देखेंगे आगे, इसने कहा है भाई मीटर के अकॉर्डिंग उनकी क्या दी हुई भाई कॉस्ट दी हुई है, ठीक है ना, मीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ाएंगे। उसने कहा है कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ए शर्ट मटेरियल, एक तो अपने को जो इसमें शर्ट लेनी है वो 50 पर मीटर बता दिया, और कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल है वो 90 पर मीटर है भाई, तो ये मीटर में आएंगे क्योंकि पर मीटर का नाम आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कर लेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ ए शर्ट क्लॉथ, अब शर्ट का था भाई 50 पर मीटर, तो 50 और मल्टीप्लाई में कितना मीटर लिया हमने 3x मीटर लिया, तो आपका आ गया 150x रुपीज, क्लियर। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर क्लॉथ वो कितनी है उसकी 90 पर मीटर, तो 90 इंटू में कितना है भाई उसका 2 मीटर क्लॉथ लिया है, 2x मीटर है वो आ जाएगा 180x, किस में है ये कॉस्ट में है यानी रुपीज में आएंगे भाई दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहा उसने कि इनका जो रेशियो था प्रॉफिट ऑन, इनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो इसने यूज किया है 3 मीटर शर्ट मटेरियल एंड 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल, और इनके ऊपर जो प्रॉफिट आया है वो कितना कितना परसेंट है, जो शर्ट के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो 12% है और ट्राउजर के ऊपर प्रॉफिट है वो 10% है भाई, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन शर्ट, प्रॉफिट ऑन शर्ट, शर्ट पे कितना प्रॉफिट आया है, शर्ट पे 12% है, तो उसका शर्ट का टोटल कॉस्ट था 150x, उसका निकाल दो अब 12% यानी 12/100, 4 से कैंसिल किया भाई 3 पे और 4 से कैंसिल किया 25 पे, 5 से आया 5, 5 से आया कितना सॉरी 25 से हो जाएगा ना पूरा 1, ये 6 कितना आ गया 63 जा 18x, ये भी क्या आया रुपीज क्योंकि ये प्रॉफिट है, 18x क्या आ गया प्रॉफिट आ गया भाई, क्लियर। नेक्स्ट था प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल, अपने को ट्राउजर पे लेना है भाई, अब किस पे लेना है ट्राउजर मटेरियल पे, तो प्रॉफिट ऑन ट्राउजर, ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट बताया है उस पे 10%, तो उसका था 180x इंटू में 10% 10/100 2020 कैंसिल, इसका भी कितना आ गया 18x आ गया। टोटल इनका प्राइस था विद प्रॉफिट वो है 36,600 36,600। देखो हमारे पास पहले कितना था भाई 150x था शर्ट का और 180x था भाई हमारे पास है ट्राउजर का, दोनों हो गए। अब इनका प्रॉफिट 18x प्लस 18x दोनों ये ऐड कर दो इक्वल 36,600 टोटल उनका आ गया। देखो 180 और 150 दोनों का हमने सम किया कितना आ गया 330 और 18 36, तो 366x इज इक्वल टू 36,600 एंड x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइड बाई 366 कैंसिल किया 1 पे ये पूरा 1 पे 00 कितना आया 100 आ गया। क्या आ गया 100 x की वैल्यू आई आपके पास 100। आपको निकालना है ट्राउजर मटेरियल कितना लगेगा, शो लेंथ ऑफ ए ट्राउजर, लेंथ ऑफ ए ट्राउजर क्लॉथ आपके पास थे 2x तो हो जाएगा 2 × 100 कितना आ जाएगा 200 मीटर, ये आपका आंसर आएगा भाई, ठीक है 200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये दो तीन क्वेश्चन थोड़े से उठपटांग से हैं, जैसे ये हो गया, इससे एक अगले वाला थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है नॉर्मली है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डियर्स के बारे में, कुछ डियर है यानी हिरण है, टोटल हमें पता नहीं कितने हैं, फाइंड आउट करने टोटल, ठीक है, और उसमें से बता दिया कुछ क्या कर रहे हैं कुछ क्या उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहेगा ये, इसमें देखो क्या कहा उसने कि 1/2 ऑफ टोटल डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाई, 3/4 रिमेनिंग यानी जो बचा है उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाई है एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बाकी जो 9 बच गए वो पानी पी रहे हैं भाई। ऐसा है तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स, लेट ए टोटल नंबर ऑफ ए डियर्स, कुल कितने डियर मान लिए हमने एक्स मान लिए। अब था नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर ऑफ ए डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी खेत में कितने चर रहे हैं, तो कितना बताया उसने, उसने कहा है 1/2 तो 1/2 इंटू एक्स। अब इसने कहा था रिमेनिंग का 3/4 प्लेइंग नियर बाई, तो पहले रिमेनिंग निकालेंगे
रिमेनिंग डी आर यानी कितने बच गए, टोटल एक्स थे उसमें से एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा आपका एलसीएम लेके करेंगे हमारे पास एक्स बाई टू ही आएगा भाई, कर देता हूँ चलो मैं, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स यानी एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ डी आर प्लेइंग नियर बाई, प्लेइंग नियर बाई कितना बता दिया, थ्री फोर्थ, थ्री अपॉन फोर, किसका थ्री फोर, रिमेनिंग का, रिमेनिंग था x बाई टू, कितना हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन एट हो गया, एंड रेस्ट नाइन, रेस्ट बोल दो या रिमेनिंग बोल दो भाई, ठीक है रेस्ट बोल दो या रिमेनिंग, रेस्ट या रिमेनिंग, ठीक है रिमेनिंग डीएस कितने रह गए, देखो पहले x था उसमें से वन अपॉन टू यानी x अपॉन टू वो ग्रेजिंग नियर इन द फील्ड था, फिर जो रेस्ट बचे ये थे भी हमारे पास रेस्ट में x अपॉन टू, उसमें से थ्री फोर्थ मिनी कितना आ गया उसका थ्री एक्स अपॉन एट वो प्लेइंग नियर बाई, एलसीएम आ गया एट, यहां से टू से फोर, तो फोर एक्स माइनस थ्री एक्स ये बच गया x अपॉन एट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बताया रेस्ट आर नाइन आर ड्रिंकिंग इन द पोट, यानी बचे हुए नौ और हमारे बचे हैं भाई एक्स अपॉन एट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया है नाइन, तो एट उधर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा नाइन इंटू एट इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 72, अपने को निकालने टोटल नंबर ऑफ डीएस बताने थे तो वो आ जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ डीएस कितने हो जाएंगे भाई 72 डीएस हैं, टोटल 72 है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखो नाइन, बस दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके, नाइन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाइन नंबर क्वेश्चन बता रहा है भाई कि एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर उनका डिफरेंस दिया हुआ है कुछ आपको इसमें, तो इसने कहा है द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर से ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स है, तो हम किसकी लेंगे पहले जो बाद में नाम दे उसके कंपैरिजन है इसमें, तो कंपैरिजन दिया है ग्रैंडफादर की एज किसकी बजाय ग्रैंड डॉटर की, तो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स, तो ग्रैंड डॉटर का लेट होगा भाई पहले, ठीक है लेट एज ऑफ ए ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर देखो मानने को तो हम ग्रैंड फादर की भी मान सकते हैं, बट फिर वहां पे 10 टाइम्स है तो हम उसको एक्स अपॉन 10 लेना पड़ेगा, ग्रैंड फादर की मानोगे डॉटर की एक्स अपॉन 10 होगी, ठीक है तो अगर आपने यहां पे एक्स मानना है ईयर्स इसकी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो एक्स ईयर्स वाई ईयर्स कुछ भी, और एज ऑफ ग्रैंड फादर कितनी हो जाएगी अब वो 10 टाइम्स बताया तो 10 एक्स ईयर्स हो गई सीधी सीधी, ठीक है और उनका डिफरेंस दे रखा है आपस में, डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 54 है, सॉरी डिफरेंस है वो 54 इयर्स का उनके एज में डिफरेंस है भाई, तो डिफरेंस से सीधा कर दो 10x माइनस उसका डिफरेंस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54 एंड x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 9, 9 से कैंसिल हो गया कितने पे 6 पे हो गया भाई, निकालना क्या है दोनों की एज निकालनी है, सो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी आ जाएगी 6 ईयर्स, एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर कितनी हो जाएगी, अब ग्रैंड फादर की हो जाएगी 10x था यानी 10 इंटू में 6 कितना आ गया 60 ईयर्स, 60 ईयर्स एज ऑफ ग्रैंड फादर एंड 6 ईयर्स इज द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, इसने कहा है कि एज ऑफ अमंज सन एंड अमंज इन दोनों का कंपैरिजन है कि एज ऑफ अमन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, अमन की जो एज है उसके सन की 3 टाइम्स है, तो किसकी लेट करेंगे पहले अमन की लेट सन की लेट करेंगे सन की 3 टाइम्स है भाई, तो लेट एज ऑफ अमंज सन कितनी मान ली x ईयर्स हमने लेट कर ली, अब एज ऑफ अमन, अमन की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स था तो 3x ईयर्स हो गया, ठीक है उसका हो गया 3x ईयर्स, क्लियर। अब कुछ इनका डिफरेंस दिया है, क्या कहा इसने कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले वो हो जाएगी x माइनस 10 और ये हो जाएगी 3x माइनस 10, 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले द एज ऑफ अमन इज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की जो एज है वो उसके सन से 5 टाइम्स है, तो अमन की एज कौन सी थी
ये वाली 3x यानी ये वाली, तो ये 5 टाइम्स है, हमें इक्वल करना है दोनों को, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। तो इधर आ गया आपका 5x माइनस 5 को 10 से क्या भाई 50 इक्वल है 3x माइनस 10, तो ये आपका आया 5x 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 10 था 50 उधर गया भाई प्लस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x हो गया आपके पास 2x इज इक्वल टू माइनस का 10 है प्लस का 50 है, प्लस के ग्रेटर है कितना 40 आएगा, x की वैल्यू आ गई 40 डिवाइड बाई 2 कैंसिल किया 20, x आया हमारे पास 20, हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। सो अमन सन एज, अमन के सन की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स हो गई, x की वैल्यू से डायरेक्ट आ गई, एंड अमन एज, अमन की एज कितनी हो गई, अब वो 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 60 ईयर्स। क्लियर, इसी के साथ आपकी 2.4 कंप्लीट हुई। किसी में कोई डाउट हो गई तो आप बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट किया करो, कमेंट करके लाइक करके और शेयर करके सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है, मेहनत आपके लिए ही हो रही है ये।